गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपना पंजाब जीके दी फर्स्ट क्लास है। देखो अपने को जो पंजाब जीके है, बेसिकली मैं तो अनु पंजाबी ग्रामर एंड पंजाब जीके दोनों ही टीच करूँगी। जिवें कि अज अपना फस्ट लैक्चर है तो इतने मैं थोड़ा थोड़ा जहा ओवरव्यू दे दिनी हाँ कि आप की चीज़ पढ़ा। ओके, सो जो पंजाबी ग्रामर है इस दे विच तां आपां अप टू 10th स्टैंडर्ड तक दी जो भी पंजाबी ग्रामर रहिंदी है वह पढ़ांगे। बिकॉज तुसीं देखिया होएगा कि आपां जदों भी कोई एग्जाम फील करदे आ ना पंजाब दा, तां तुहानूं ते हमेशा लिखा होया मिलेगा हैव यू एवर स्टडीड पंजाबी अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो वो अपन 10th स्टैंडर्ड तक दी ही पंजाबी पूछते हैं, जिस दे विच कि अपने कोले नाम प्रणाम किरिया विशेषण इन्हां दे उपर ही एरर्स वगैरह आते हैं। बट उस तो बिना देखो आपां की हुंदा सी जदों आपां स्कूल दे विच हुंदे सी ना, तां आपां हमेशा उही चीज़ां लर्न करके जांदे सी जो आपां बोर्ड एग्जाम्स वगैरह चाहुंदियां सी। सो एक अपने कोले भाषा वाला टॉपिक हुंदा है, भाषा उपभाषावां व्याकरण स्वर्ण व्यंजन। मैनू नहीं लगता कि अपने जो किसी ने भी छोटिया क्लासिस दे विच उड़ाड़ा वगैरह याद किया होएगा तो वह अपन 10th क्लास दे विच पंजाबी ग्रामर के सिलेबस दे विच हुंदा सी, बिकॉज़ वो अपन एग्जाम च नहीं पूछा जाता सी। बट इत्थे की है वर्ण भाषा लिपियां सारा यह जो टॉपिक है आप भी कवर करांगे। ठीक है, जिस आप संघोष अघोष अल्प प्राण ठीक है, यही सारा कुछ पढ़ांगे। दैन उस तो बाद अपने को मुहावरे, ठीक है, अपने को बेसिकली व्याकरण के चार भाग होंगे ने जिदे आप शब्द बोध लिपि बोध, ठीक है, या जिड़े भी ये सारे बोध हो सारे आप पढ़ांगे, अर्थ बोध वाक बोध यह सारे आप पढ़ांगे। दैन उस तो बाद अपने को मुहावरे, ठीक है, लकोकतियाँ वगैरह ये उपर क्वेश्चन रहा ही रहा, या तो कंप्लीट करो या उसका मीनिंग दसो। एरर्स वगैरह आते हैं कि केड़ा वाक सही है, स्पैलिंग्स दे विच जो मिसटेक्स वगैरह आते हैं। आपां नूं जो ग्रामर है वो या तो 5 मार्क्स की आती है एग्जाम च, या 12 मार्क्स की, या 25 मार्क्स की। सो आपां इत्थे इन्नी ग्रामर पढ़ लाँगे कि थोड़े जो एग्जाम्स दे विच मार्क्स होंगे वो कोई कट नहीं होंगे। तो हुण देखो की हुंदा कि कई बार ना एग्जाम्स दे विच अपने कोले पंजाबी लिटरेचर वगैरह का पार्ट आ जाता है, मतलब कि अपने कोले गुरु ग्रंथ साहिब दे विच केड़ा केड़ी बाणी केड़े मतलब उस वार च लिखी हुई है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो किसी भी जो एक स्टूडेंट है किसी ने भी ना गुरु ग्रंथ साहिब में इन्नी डीप च नहीं पढ़िया होंगे कि आपको पता चले कि केड़ी बाणी है जी किड़े वार च लिखी हुई है। तो एक चीज़ में ध्यान च रख के चलियो, जे एग्जाम इस तरह का कोई एक अद्धा क्वेश्चन आ भी जाता ना, तो जो थोनों नहीं आता तो वो पंजाब के किसी बच्चे ही नहीं आता। ठीक है, तो उत्थे वो लगा लो कि उन्होंने नैगलीजिबल आप मन के चलते हैं कि उसके विच कोई कॉम्पीटिशन नहीं होंगे। सो इस तरह दीज़ा मतलब इतने बिल्कुल अवॉइड करा। दैन उस तो बाद पंजाब जीके, जो पंजाब जीके है ये आप हिस्टरी जोग्राफी इंट्रोडक्शन इकोनमी लिटरेचर आर्ट एंड कल्चर बुक्स वगैरह सारिया पढ़ा। अज अपना पंजाब का फस्ट लैक्चर है। देखो जिन्ना ने मेरी यह पंजाब दे विच की कुछ आता है या जीके दे विच की कुछ आपने पढ़ना है, मेरी यूट्यूब पर पूरी दी पूरी वीडियो पई है जिस दे विच मैं दस्या है कि मैं पंजाब जीके दे विच की पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो तुसी ओह जाके सर्च कर लियो, वह पंजाब जीके 1 लैक्चर दे नेम ते है, तो तुसी उत्थे वो ओवरव्यू लै सकते हो कि पंजाब जीके दे विच आपां की कुछ पढ़ांगे। सो अज आपां पंजाब जीके का सब तो पहला टॉपिक स्टार्ट करांगे, दैट इज़ द हिस्टरी ऑफ पंजाब। सो पंजाब दे विच सब तो पहला टॉपिक जो आप पढ़ांगे हिस्टरी ऑफ पंजाब। पंजाब की हिस्टरी दे विच अपने कोले जो सब तो पहला टॉपिक आता है वो आप पढ़ांगे हिस्टरी ऑफ नेम्स ऑफ पंजाब। हिस्टरी ऑफ नेम्स ऑफ पंजाब, पंजाब के नेम्स की हिस्टरी नूं इत्थे आपां डिस्कस करांगे। देखो जे आपां अपनी इंडिया की हिस्टरी नूं लैके चलते हैं, इंडिया की हिस्टरी नूं लैके चलते हैं, तो आपां कित्थों स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्टरी तो, जिस दे विच आपां सब तो पहला पढ़ते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड।
प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, जिस दे विच आपां पैलियोलीथिक, नियोलीथिक, चालकोलीथिक एजिस वगैरह पढ़ते हाँ। उहदे विच आपां सिर्फ यही चीज़ नूं पढ़ते हाँ कि अपने कोल जिहड़ी ह्यूमन लाइफ है वह किवें एग्जिस्टेंस चाहिए। पहला जो ह्यूमन सी उन्हों कोई लैंग्वेज नहीं आती सी, वो जंगलों च रहिंदा सी, उहदे कोल रहिण लई कोई गुफा भी नहीं हुंदी सी, कच्चा ही जानवरों नूं मार के खा जांदा सी। दैन उस तो बाद हौली हौली उन्हें पत्थरों तो टूल्स वगैरह बनाने शुरू किए। दैन उस तो बाद वो जानवरों नूं टूल्स दे नाल मारन लग्या, गुफावां बना लिया ते उन्हां च रहिण लग्या। फिर हौली हौली उन्हें फायर प्रोड्यूस की, ह्यूमन नूं पता चलिया कि फायर नाम की कोई चीज़ हैगी है, अग प्रोड्यूस की उन्हें पत्थर नाल पत्थर रगड़ा के। फिर वो जानवरों नूं पका के खाण लग गया, गुफावां सी जिहड़ियां उन्हां नूं थोड़ा जिहा घर दी फॉर्म दे विच बना लिया। एंड दैन हौली हौली इस तरह जो अपनी यह पूरी सोशल लाइफ है वो एग्जिस्टेंस दे विच आई। ओह टॉपिक है जिहड़ा वह आपां नूं पंजाब दी जीके च बिल्कुल नहीं पूछा जाता, वह सिर्फ तो सिर्फ अपनी मेन इंडियन हिस्टरी दे विच ही आपां पढ़ांगे। दैन उस तो बाद जो आपां हिस्टरी दे विच दूसरा उस तो बाद जिहड़ी अपनी प्रॉपर सिविलाइजेशन जी, मतलब कि जो समाजिक तौर तरीकों के नाल जो ह्यूमन एग्जिस्ट होया, तो वह सब तो पहला सिविलाइजेशन सी अपने कोल इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हुण देखो आप जिन्हां ने इंडियन हिस्टरी पढ़ रखी है उन्हां नूं पता होएगा कि जिहड़ी अपने कोल एजिस वगैरह ने जदों कि आप प्री हिस्टोरिक टाइम पढ़ते हाँ, तो उदों पढ़ते हाँ कि ह्यूमन की कोई इन्नी लैंगुएज नहीं हुंदी सी, ठीक है, ना ही कोई मतलब उन्होंने कोई लैंगुएज बनाई सी, ना ही डिवेलप हुई सी, ना ही कुछ लिखा जाता सी। सो किसी नूं पता ही नहीं कि उस टाइम पर कि जगह का किहड़ा नेम रहा। फिर उस तो बाद जो डिवेल्ड सिविलाइजेशन आई वो आई इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच आपां की पढ़ते हाँ कि 1920 दे विच, 1920 दे विच आर बी दया राम साहनी नाम दे परसन ने सब तो पहला यह सिविलाइजेशन फाउंड की। जिन्होंने यह पढ़ रखी है सिविलाइजेशन, आपां यह सब कुछ अपनी इंडिया की हिस्ट्री पढ़ांगे, तो उत्थे आपां पढ़दे हाँ कि जिहड़ी इह सिविलाइजेशन है स्टिल डिस्कवर हो रही है, अर्थ की खुदाई हो रही है, उहदे विचों जो भी चीज़ां मिल रही ने उन्हां तों क्ल्यूज लगाए जांदे ने कि जिहड़ी इह सिविलाइजेशन है उस टाइम पर की कुछ रहा, ठीक है, तो उस टाइम पर किहड़ी चीज़ का कोई नाम सी, किहड़ी जगह का कोई नाम सी, वह कुछ नहीं पता। वो ईवन कि जिहड़े हुंदे हिस्टोरियनस ने उह एस्टीमेशनस दे नाल उन्हां चीज़ां नूं नाम दे रहे ने। सो किसी नूं नहीं पता कि उस टाइम पर किहड़ी जगह का किहड़ा नेम सी। जिवें कि तुहानू पता ही होगा कि आपां हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हाँ कि हड़प्पा दे विच इस तरह दीआं चीज़ां मिलियां, तो आपां पढ़ते हाँ कि यह पंजाब दे रोपड़ जिले दे विच, हरियाणा दे राजगिरी जिले दे विच, या फिर पाकिस्तान दे सिंध इलाके दे विच जिहड़ी हड़प्पा है वो पाई जाती है। हड़प्पा दा नेम पहला हड़प्पा नहीं सी, इह अज दे हिस्टोरियनस ने उहनूं नेम दित्ता। या फिर लैट सपोज कि आपां कालीबंगम सभ्यता पढ़ते हाँ कि उत्थों काले रंग दीआं चूड़ियां बैंगल्स मिलियां, इस करके उहदा नाम हिस्टोरियनस ने रखता कालीबंगन, तो वह राजस्थान वाले एरिए पाई जाती है। सो उस टाइम पर उन्हों का की नेम से, की उन्होंने जगावां वगैरह से, किहड़े सिटी से, वह किसी नहीं पता, वह अज के हिस्टोरियनस ने नेम दिते ने। सो उस वक्त के पंजाब का की नेम रहा यह किसी नहीं पता। उस तो बाद थर्ड नंबर पर सब तो पहला तो अपने को प्री हिस्टोरिक पीरियड हो गया, सैकेंड नंबर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैन जो थर्ड नंबर पर सभ्यता आई ये सैकेंड सी वह आई रिगवेदिक पीरियड के, रिगवेदिक पीरियड। तो अपने जो पंजाब के नेम्स की हिस्टरी है वह रिगवेदिक पीरियड तो ही स्टार्ट होंगी है, अपने जो पंजाब के नेम्स की हिस्टरी है वह रिगवेदिक पीरियड तो ही स्टार्ट होंगी है। सो इतों ही अपनी हिस्टरी ऑफ नेम्स ऑफ पंजाब्स पढ़ांगे। सब तो पहला तो जे आप रिगवेदिक पीरियड की गल करिए, जो रिगवेदिक पीरियड है इहदा टाइम पीरियड होया है बिफोर जीजस क्राइस्ट वाली ईरा दे विच, मीनस बीसी वाले टाइम पीरियड, ते इहदा जो टाइम पीरियड रहा है फ्रॉम 1500 बीसी टू 600 बीसी। ते जो रिगवेदिक पीरियड है इहनू आपां दो पार्ट्स दे विच डिवाइड किया होया है, किहड़े किहड़े दो पार्ट्स, अर्ली रिगवेदिक पीरियड, लेटर रिगवेदिक पीरियड, अर्ली एंड लेटर। जो अर्ली रिगवेदिक पीरियड है इज द टाइम पीरियड 1500
BC 2000 BC। देखो जो यह BC वाला टाइम पीरियड होंदा ना, यह पिछे नू चलता है, उल्टा चलता है, क्योंकि बेसिकली यह मान के चलिया जाता है कि जिहड़ी दुनिया है वो कुछ 0 BC तो स्टार्ट हुई सी। ठीक है, तो यह आप मतलब किसी नू इन्ना कोई मतलब अंदाजा नहीं है कि यह कदों, सॉरी, 0 BC तक आपां ने जाना है, तो यह इनफिनिटी BC तो स्टार्ट हुई हुई है, इनफिनिटी तो स्टार्ट हुई हुई है। तो हुण इहदे विच की हुंदा है कि आप प्रेजेंट तो पिछे नू जाने हैं, जो अपना प्रेजेंट टाइम है उस तो आप पिछे नू मूव करते हैं। सो इस करके ये बैकवर्ड काउंट होंगे। तो यह सारी चीज़ है ना जो थानू मैं मेन हिस्ट्री दे विच एक्सप्लेन करूँगी कि अपने को AD वाला टाइम पीरियड किवें लिया जाता है, BC वाला किवें लिया जाता है, या क्यों इनू इस तरह लिया जाता है। ठीक है, तो सो इतने थोड़ू ना ही तो कदम एग्जाम क्वेश्चन आता है तो ना ही तुम इतने उस चीज़ को डिस्कस करना है। जिहड़ी हाँ जी एक स्टूडेंट का डाउट है कि 1921 दे विच नहीं स्टार्ट हुई सी, बेसिकली जिहड़ी 1920 दे विच शुरू कर दित्ती सी, 1921 दे विच उन्हां नूं सक्सैस मिली सी, तां कई बुक्स दे विच तुहानूं 1921 लिखिया मिलेगा। 1920 दे विच उन्हां ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिहड़ी मतलब डिस्कवरी वगैरह सी वह करनी स्टार्ट करती सी, 21 दे विच उन्हां नूं सक्सैस मिली सी। दैन उस तो बाद जो लेटर ऋग्वेदिक वाला पीरियड से, लेटर ऋग्वेदिक वाला वह 1000 BC तो 600 BC तक है। हुण जो है अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड है, जो है अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड है, इनू सिंपल ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है। जो लेटर ऋग्वेदिक पीरियड है इनू महाभारत पीरियड भी कहा जाता है, महाभारत पीरियड। इस तरह क्यों महाभारत टाइम पीरियड क्यों कहा जाता है? जो लेटर ऋग्वेदिक पीरियड सी, जो लेटर ऋग्वेदिक पीरियड सी, इस टाइम ते संस्कृत लैंग्वेज डिस्कवर की गई सी बाय द संत्स ऑफ इंडिया, जिहड़े इंडिया दे विच उस टाइम ते हिंदू धर्म दे विच संत वगैरह होंदे सी, उन्हां ने संस्कृत लैंग्वेज नू डिस्कवर किया सी। ते संस्कृत लैंग्वेज जदों डिस्कवर हुई तो अपने कोले उस टाइम ते ही वैदिक ग्रंथ लिखे गए सी, अपने कोले जिहड़े वेदास ने, और यू कैन से वेदास लिखे गए सी। इस टाइम ते ही अपने कोले उपवेदास लिखे गए सी, इस टाइम ते ही अपने कोले उपनिषद लिखे गए सी। ठीक है, वेदास चार सीगे, उपवेदास चार सी, उपनिषद टोटल 108 सीगे। यह सारा कुछ आप अपनी इंडियन हिस्टरी दे विच डिस्कस करांगे। बेसिकली वेदास जिवें कि अपना ऋग्वेदा, यजुर्वेदा है ना, यह सारे। दैन उस तो बाद उपवेदास लिखे गए सी, जो कुछ वेदास दे विचों ही पार्ट लिया गया सी। उपनिषद का मतलब हुंदा सी एक गुरु जो हुंदा सी, वो किसी उच्ची जगह पर बैठ के ज्ञान दिंदा सी, ते उसके जो फॉलोअर्स हुंदे सी या डिसिपल्स हुंदे सी या स्टूडेंट्स हुंदे सी, वो नीचे बैठ के वो ज्ञान सी जिहड़ा वो ग्रहण करदे सी। इह आपां डिस्कस करांगे अगे जाके अपनी इंडियन हिस्टरी दे विच। दैन उस तो बाद महाभारत ते रामायण, महाभारत एंड रामायण जिहड़ियां बुक्स ने वो इस टाइम दे विच लिखियां गईयां ने। हुण तुसीं कहोगे फिर रामायण वाला नाम क्यों नहीं दिता, इहनूं आपां रामायण पीरियड क्यों नहीं कहिंदे, आपां इहनूं महाभारत पीरियड ही क्यों कहा? क्योंकि जिहड़ी महाभारत है ना उहदे विच 1,00,000 श्लोक ने। जो महाभारत इहदे विच 1,00,000 वर्सिज ने। ठीक है, ते महाभारत दुनिया की सब तो लंबी धार्मिक ते हिस्टोरिक बुक है, ओह बुक जिहदे विच धार्मिक चीज़ भी है ते वो एक हिस्टरी दे नाल रिलेट भी रखती है। देखो ये विच आपां नूं पता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध होया सी, कृष्ण जी बारे सब कुछ दस्या होया है। जो रिलीजियस ते हिस्टोरिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपॉर्टेंट होवे ना, उहनूं कहिंदे ने एपिक
ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸਟੈਟਿਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਐਪਿਕ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਂਗੈਸਟ ਐਪਿਕ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਭਾਰਤਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਲੇਟਰ ਰਿਗ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ, ਲੇਟਰ ਰਿਗ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੀਰੀਅਡ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੇਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਅਰਲੀ ਰਿਗ ਵੈਦਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਲੀ ਰਿਗ ਵੈਦਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਨੇਮਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਨੇਮਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟਲ 10 ਨੇਮਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟਲ 10 ਨੇਮਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ? ਰਿਗ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ। ਰਿਗ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਅਰਲੀ ਰਿਗ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ? 1500 BC ਟੂ 1000 BC, 1000 BC। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਅਰਲੀ ਰਿਗ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਲੀ ਰਿਗ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਆਰੀਅਨਸ ਲੋਕ, ਆਰੀਅਨਸ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ। ਕੌਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਲਵੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਕੌਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੈਟ ਜਾਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਨੇ? ਕੌਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੀਅਨਸ ਇੱਕ ਕੌਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਸੀ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਘਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਰੀਅਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਰੀਅਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਟਲਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਟਲਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਕੇਮ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰੀਅਨਸ ਲੋਕ ਆਏ,
ਤੇ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਟਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ, ਮੇਨਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਟਲਡ ਐਟ ਅ ਲੈਂਡ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੱਤ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੱਤ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਸੈਟਲਡ ਐਟ ਅ ਲੈਂਡ ਆਫ ਸੈਵਨ ਰੀਵਰਸ, ਇਹ ਸੱਤ ਨਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਸੈਵਨ ਰੀਵਰਸ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਆਰੀਅਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ। ਐਂਡ ਆਰੀਅਨਸ ਗੇਵ ਨੇਮ ਟੂ ਡੈਟ ਏਰੀਆ, ਕੀ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ? ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ, ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਅਰਲੀ ਰਿਗ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਆਰੀਅਨਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਵਨ ਰੀਵਰਸ ਦੇ ਨੇਮ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ। ਅਤੇ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਲੈਂਡ ਆਫ ਸੈਵਨ ਰੀਵਰਸ, ਸਪਤ ਮਤਲਬ ਸੈਵਨ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਰੀਵਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੈਂਡ ਆਫ ਸੈਵਨ ਰੀਵਰਸ, ਲੈਂਡ ਆਫ ਸੈਵਨ ਰੀਵਰਸ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਫਟਾਫਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਆਰੀਅਨਸ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੈਵਨ ਰੀਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨੇਮਸ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਵਨ ਰੀਵਰਸ ਦੇ ਨੇਮ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਰਿਗ ਵੈਦਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਈਵਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੀਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਮ ਕਿਹੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੀਵਰ ਸੀ? ਇੰਡਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਨੇਮਸ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਨੇਮਸ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਨੇਮਸ, ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਨੇਮਸ। ਇੰਡਸ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ, ਜੇਲਮ, ਸਰਸਵਤੀ, ਰਾਵੀ, ਚੇਨਾਬ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ਅਤੇ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਨੇਮ, ਇੰਡਸ ਦਾ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਨੇਮ ਸੀਗਾ ਸਿੰਧੂ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੰਡਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਬਿਪਾਸ਼, ਸਤਲੁਜ
सतलुत्री, सतलुत्री भी कहा जाता सी, या फिर इनू सतुद्री भी कहा जाता सी, या फिर सतुद्री भी कहा जाता सी। जेलम वितास्ता, जेलम दा सीगा वितास्ता। सरस्वती सरुस्ती, रावी परूषणी परूषणी, चेनाब अस्किनी। इंडस दा नेम सिंधु, ब्यास बिपाश, सतलुज सतुद्री या सतलुत्री। जेलम वितास्ता, सरस्वती सरुस्ती, रावी परूषणी, चेनाब अस्किनी। रावी का नेम इंडियन हिस्ट्री दे विच बहुत बारी पूछा गया है जो कोई अपना सेंटर का एग्जाम होंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऋग्वेदिक टाइम पीरियड दे विच ना रावी रिवर के कंडे ते, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, एक 10 राजा की लड़ाई हुई सी। तो पूछा जाता है कि वह कि बैंक के उपर हुई सी, कि नदी के किनारे ते हुई सी, ते वो कदे भी तो ऑप्शन च रावी नहीं देंदे, हमेशा परूषणी देंदे ने। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? बैटल ऑफ 10 किंग्स वर फॉट ऑन बैंक ऑफ दिस रिवर ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड, ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड। इस चीज़ नू फटाफट देखो, किसी का कोई भी डाउट है तो पूछो। इत्थे जो ये बैटल हुई सी इनू आपा पूरा डिटेल दे विच डिस्कस करांगे अपनी इंडियन हिस्ट्री दे विच, क्योंकि जदों तुसी उत्थे डिस्कस करोगे ना तुहानू पूरा डिटेल दे विच समझ आएगा। डोंट वरी, तुहानू ये बैटल जिहड़ी हुई सी वो पूरी इंडियन हिस्ट्री दे विच समझाई जाऊगी। इत्थे पंजाब दे रिलेटेड ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हैगी, ते मैं इत्थे जो इंडिया दी हिस्ट्री है ते पंजाब दी हिस्ट्री है उस चीज़ नू मिक्सअप नहीं करना चाहती। इंडिया दी हिस्ट्री एंड पंजाब दी हिस्ट्री नू आपां मिक्सअप नहीं करना चाहते, सो इस करके मैं हर उस चीज़ नू अवॉइड करांगी जो आपां नू इत्थे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं हैगी। एंड डोंट वरी, ये बैटल थानू इंडिया दी हिस्ट्री च पूरे प्रॉपर तरीके नाल समझाई जाएगी। सारा दा सारा टॉपिक सीगा अपना फर्स्ट नेम दे नाल रिलेटेड, दैट इज़ द सप्त सिंधु। ये सारा अपना फर्स्ट नेम सी ओदे रिलेटेड टॉपिक सीगा। उस तो बाद अपने पंजाब दा जो दूसरा नेम मिलिया ओह मिलिया पंजाब दा सेकंड नेम मिलिया ड्यूरिंग लेटर रिग वेदिक पीरियड, या फिर ड्यूरिंग महाभारता पीरियड, जिहदा टाइम पीरियड रहा 1000 BC to 600 BC।
1000 BC टू 600 BC। जो महाभारत टाइम पीरियड सी, जो महाभारत टाइम पीरियड सी, इस दौरान पंजाब नू नाम दिता गया पंचनंदा। पंजाब नू नेम दिता गया पंचनंदा। पंचनंदा का मतलब की सी? पंच मीन्स फाइव, नंदा मीन्स नदियां और रिवर्स। हुण तुसी कहोगे पहला सत्त सी, इत्थे केड़ियां दो रिवर्स नहीं रही? देखो जो पंच ये महाभारत वाले लोग सी, वो कहंदे सी कि जो इंडस रिवर है यह जम्मू कश्मीर दी रिवर है, इनू असी पंजाब दी नदी नहीं कंसीडर करांगे। ते जो सरस्वती सरस्वती नदी सी, आपां नू देखो अज पता है कि सरस्वती कदे इंडिया दी नदी होया करदी सी, बट यह फिर अलोप होगी, यह डिफंक्ट होगी। डिफंक्ट मीन्स अलोप, अलोप होगी, खत्म होगी, ठीक है। जो सरस्वती सी ओह इस पीरियड दे दौरान खत्म हो गई सी, यह की हो गई सी? खत्म हो गई सी। इस करके यह दो नदियां नू छड़ के, यह दो नदियां नू छड़ के बाकी दियां जिहड़ियां पंज नदियां सी, केड़ियां केड़ियां? ब्यास, सतलुज, रावी, जेलम, चेनाब, यह पंच नदियों की धरती को कहा जाता सी पंचनंदा। पंचनंदा बाद देखो जिहड़े फस्ट दो नेम सी, यह बहुत ज़्यादा डिटेल च पढ़ने से आपने, ठीक है, केड़े टाइम पीरियड दे विच यह नेम दिता गया या किने दिता, केड़ियां केड़ियां रिवर्स सी। उस तो बाद आपने कोई टाइम पीरियड नहीं याद करना कि ग्रीक लोग आए हो केड़े टाइम पीरियड च आए, ठीक है, उन्होंने की नाम दिते, इस तरह का आपने कुछ नहीं मतलब लर्न करना। आप सिर्फ यह याद रखांगे कि पंजाब का की नेम रहा, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਨੇਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥਰਡ ਨੇਮ ਸੀ, ਥਰਡ ਨੇਮ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪੈਂਟੋ ਪੋਟਾਮੀਆ। ਪੈਂਟੋ ਪੋਟਾਮੀਆ ਜੋ ਪੈਂਟੋ ਪੋਟਾਮੀਆ ਨੇਮ ਸੀ, ਇਹ ਨੇਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਬਾਏ ਗਰੀਕ ਪੀਪਲ, ਗਰੀਕ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਗਰੀਕ ਲੋਕ। ਪੈਂਟੋ ਪੋਟਾਮੀਆ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਪੈਂਟੋ ਮੀਨਸ ਫਾਈਵ, ਪੋਟਾਮੀਆ ਮੀਨਸ ਰੀਵਰਸ, ਪੋਟਾਮੀਆ ਮੀਨਸ ਰੀਵਰਸ। ਅਗੇਨ ਲੈਂਡ ਆਫ ਫਾਈਵ ਰੀਵਰਸ ਇਜ਼ ਪੈਂਟੋ ਪੋਟਾਮੀਆ। ਫੋਰਥ ਨੇਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਟਕਾ। ਟਕਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਕਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟਕਾ ਟ੍ਰਾਈਬ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਟਕਾ। ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਟਕਾ ਟ੍ਰਾਈਬ, ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਟਕਾ ਟ੍ਰਾਈਬ। ਟ੍ਰਾਈਬ ਮਤਲਬ ਕਬੀਲਾ, ਕਬੀਲਾ।
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ। उस तो बाद जो अपने पंजाब के अगले नेम होए ने, जो पंजाब के अपने अगले नेम्स होए ने, वो होए ने ड्यूरिंग मुगल ईरा। जो मुगल लोग आए, मुगल लोग, ईरा मीन्स युग, ईरा मीन्स युग, युग। जो मुगल लोग सी यह केड़े सीगे? बाबर, हिमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहंदर शाह, फारूक शेर, ठीक है। यह जड़ी सारी फैमिली सी है मुगल्स दी सी। बेसिकली जो मुगल ईरा सी वह बाबर तो स्टार्ट हुई। इतने आप सिर्फ इन्ना ही याद रखेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे आप अपनी इंडियन हिस्ट्री के। बाबर तो स्टार्ट हुई सी, बाबर स्टार्टेड दिस डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब वंश, एंड बहादुर, बहादुर शाह टू वॉज लास्ट रूलर। बाबर ने 1526 दे विच, 1526 दे विच इनू स्टार्ट किया सी, ते बहादुर शाह टू 1857 दे विच अपनी गद्दी तो उतारिया गया सी बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स रिमूव्ड हिम फ्रॉम हिज थ्रोन। इनू इस दी गद्दी तो ब्रिटिशर्स द्वारा गद्दी तो उतार के रंगून भेज दिता गया सी, एंड सेंट टू रंगून, सेंट टू रंगून। जेड़ा रंगून सी पहला वह अज म्यनमार है। बेसिकली आप कहांगे कि जेड़ा म्यनमार है ना प्रेजेंटली, उदा पुराना नेम रंगून होया करता सी, प्रेजेंटली कॉल्ड म्यनमार, अज इनू म्यनमार कहा जाता है। भाई कोई नदी क्यों ख़त्म हो जाती है या क्यों शुरू हो जाती है, यह कुदरत दे हाथ दे विच है, ठीक है। ये अपना ह्यूमन का कोई वो नहीं है। मे भी हो सकता है कि उस वक्त ते कोई सोका पै गया होवे ते उदा सारा जड़ा पानी होवे वो जमीन दे विच समा गया होवे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है कि उदा जड़ा स्टार्टिंग पॉइंट से उत्थे जड़ा पानी से वो ख़त्म हो गया होवे, या फिर जेड़े ग्लेशियर तो, ग्लेशियर हुंदा है बर्फ दा पहाड़, आलमोस्ट जेड़ियां नॉर्थ इंडिया दिया रिवर्स ने वो ग्लेशियर्स तो स्टार्ट हुंदियां ने, तां जेड़ियां कि हो सकता है कि वो ग्लेशियर ही सुक गया होवे, खत्म हो गया होवे, उत्थे बर्फ खत्म हो गई होवे जिथों सरस्वती नूं पानी मिलदा सी। कोई भी रीज़न हो सकता है। मे बी तुसीं कदे सुनिया होगा, जेड़े अज दे हिस्टोरियंस ने वो तो यह भी कहिंदे ने कि सरस्वती कदे है ही नहीं सी, ठीक है, कि यह इंडिया के लोगों द्वारा बनाई गई मनघड़त कहानी है, सरस्वती कदे रिवर ही नहीं सी। सो आपां ने बस एवें ही पढ़ना है कि सरस्वती हुंदी सी ते हुण खत्म होगी कित्थों, किसी नूं ईवन कि यह भी नहीं पता है कि सरस्वती कित्थों स्टार्ट हुंदी सी प्रॉपरली, ठीक है। तो जस्ट एक बस नाम ही है कि भी हाँ एवें सरस्वती नाम की एक रिवर होया करदी सी। मुगल ईरा दे विच आपां पंजाब दे नेम्स नूं डिस्कस करांगे। सब तो पहला तां जदों बाबर दा टाइम पीरियड सी, पंजाब वॉज known as
सूबा ए लाहौर, पंजाब नू कहा जाता सी सूबा ए लाहौर, तो मतलब कि यह की हो गया पंजाब का चौथा नेम हो गया, फोर्थ नेम हो गया। फोर्थ उस तो बाद फिफ्थ, 1540 तो लैके 45 तक एक परसन होया सी शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी दी बायोग्राफी लिखी गई है, बायोग्राफी सी तजुक ए सॉरी तारीख है शेर शाही। तारीख ए शेर शाही, तारीख ए शेर शाही किने लिखी, बाय अबाज खान सरवानी। इस परसन ने यह बुक लिखी सी जो बायोग्राफी सी शेर शाह सूरी दी, जिदा टाइम पीरियड इंडिया दे विच 1540 तो 45 तक होया। शेर शाह जड़ी यह बुक सी शेर शाह दे उपर लिखी गई, पहली बार जो पंजाब शब्द सी पंजाब वर्ड इस बुक दे विच पाया गया, पंजाब वर्ड फाउंड इन दिस बुक फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार इस बुक दे विच पंजाब शब्द पाया गया सी। उस तो बाद जो दूसरी बारी यह वर्ड पाया गया अकबर दे उपर जो बुक लिखी गई सी उस दे विच, सेकेंड टाइम एक अपने कोले अकबर रूलर सबनों ही पता है होया है 1556 तो लैके 1605 तक, इसकी एक बायोग्राफी सी एन ए अकबरी, एन ए अकबरी किने लिखी, बाय अबुल फैजल, अबुल फैजल नाम दे पर्सन ने लिखी, इन परशियन लैंग्वेज, परशियन नू पंजाबी दे विच फारसी कहा जाता है, परशियन नू पंजाबी दे विच फारसी भाषा कहा जाता है, ते पंजाब दे विच फारस मुगल्स दे टाइम ते बहुत ज़्यादा प्रचलित सी फारसी। तुसी देखा होगा अक्सर पंजाब दे विच डायलॉग बोलिया जाता है, मैं फारसी तो नहीं बोली, पंजाब दे विच फारसी भाषा किसी टाइम ते बहुत ज़्यादा प्रचलित सी मुगल्स दे टाइम पीरियड ते। जो एन ए अकबरी सी फारसी भाषा च लिखी गई सी दूसरी टाइम, सैकेंड टाइम पंजाब वर्ड फाउंड इन दिस बुक, दूसरी बार पंजाब शब्द इस बुक च पाया गया, ते आपां जिहड़ा पंजाब वर्ड है वो इत्थों ही अडोप्ट किया, आपने शेर शाह सूरी वाली बुक तो अडोप्ट नहीं किया, आपां इत्थों अडोप्ट किया है, बस ये चीज़ याद रखियो। पर जे थोनू आ गया कि पहली बार किस बुक च पाया गया, फिर आपां लिखांगे तारीख ए शेर शाही दे विच। पंजाब वर्ड जिहड़े इत्थे सी इह फारसी और यू कैन से परशियन लैंग्वेज का वर्ड सी, तो यदा मतलब की सी पंज प्लस आव, पंज मीनस फाइव, आव मीनस रिवर्स, सो बेसिकली पंजाब का मतलब की है लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। तो बहुत बारी पेपर क्वेश्चन आया पंजाब वर्ड केड़ी भाषा तो लिया गया है,
ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਫਿਫਥ ਨੇਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ जो सूबा है लाहौर है वो पंजाब का फोर्थ नेम सॉरी फिफ्थ हाँ जी फिफ्थ नेम है। मैं फिफ्थ इतने फोर्थ लिखता सॉरी नंबरिंग गलत हो गई है। यह फिफ्थ नेम है, फिफ्थ नेम है ते यह छेवां नेम है, सिक्स्थ नेम है। भाई नंबरिंग ते ध्यान ना दो, नंबरिंग तुसी खुद ब खुद करते रही हो, तुसी सिर्फ और सिर्फ जीके वाले पार्ट ते ध्यान दो। उस तो बाद फिर अकबर का एक बेटा सी जिसका नाम सी जहांगीर। जहांगीर ने पंजाब नू नाम दिता सी तजुके जहांगीरी। फिर उस तो बाद मुगल इराची परसन आया जहांगीर। जहांगीर जहांगीर ने पंजाब नू नाम दिता, पंजाब नेम वॉज चेंज्ड टू, पंजाब नाम बदल के की नाम रखा गया तजुक ए जहांगीरी। तो यह पंजाब का सत्तवां नेम सी। ते जहांगीर का टाइम पीरियड की सी 1605 तो लैके 1628 तक, 1605 तो 1628 तक जहांगीर का टाइम पीरियड सी। ते तजुक ए जहांगीरी उन्हें नेम दिता सी। यह अपने पंजाब के टोटल सैवन नेम्स ने, टोटल सैवन नेम्स ने। तो अज आप यही वाले डिस्कस करांगे, बाकी के जोड़े तीन नेम्स ने आप अपनी कल की क्लास के डिस्कस करांगे। इतने तक किसी को भी कोई डाउट है तो वह पूछो। चलो ठीक है, हुन अपनी 10 बजे है जीएस दी क्लास। मिलते हैं जीएस दी क्लास। थैंक यू सो मच।